प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान से भागना या उसको भगाना, ये दोनों जो संकेत हैं ये बहुत गंभीर हैं। और मनीष जी जरा पहले वो सुनवा दीजिए, अब प्रमोद कृष्णन की बात सुनवा दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। बस इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो मुझे बचाने की शायद कोशिश करती लेकिन अभी वो खुद को बचाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के भीतर खुद को बचाना पड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि शायद इस समय प्रियंका गांधी कांग्रेस के भीतर खुद को बचाने में, किससे बचाने में लगी हुई? राजनीति में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए जितना आप करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका अर्थ क्या है, ये आप भी समझ गए और शायद यहाँ बैठे सभी लोग समझ जाएंगे, समझ रहे होंगे, और आपके चैनल को जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। बस इतना कहना काफ़ी है कि जिस समय अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट जारी हुई, तो देश की आज़ादी से लेकर आज तक पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी के आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। इसके आगे और क्या कहा जाए। ये मनीष जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैंने इसका वीडियो निकाला। ये प्रबोध कृष्णन का 6 दिन पहले का बयान है, 6 दिन पहले का बयान है, और ये टाइम्स नाउ पे इसको दिखाया था उन्होंने। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बात जो एक तो लास्ट में जहां से खत्म किया कि जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, ये इसका क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता की जिसको ठीक से जानकारी है, जो ठीक से जिसका संबंध रहा है पत्रकारिता से, वो या राजनीति को से जो जानता समझता है, तो जो प्रमोद कृष्णन ने कहा वो 100% मैं सहमत हूं कि इसके बड़े गंभीर मतलब हैं, बड़े गंभीर संदेश हैं। और जो दूसरा, जहां से शुरुआत की थी प्रमोद कृष्णन ने मनीष जी, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मुझको क्या बचाती, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो दर्शकों को याद होगा शायद मैंने कल ही या परसों कहा था, मैं इस स्टेटमेंट को निकाल के रखे हुए था और मैंने कहा था कि जरा राय सूची आ जाने दीजिए रायबरेली की, उसके बाद मैं फिर कुछ बात कहूंगा। और संभवतः क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस छोड़ सकती हैं, तो आज कह रहा हूं जब ये सूची आ गई और प्रियंका गांधी का नाम रायबरेली या अमेठी के लिए डिक्लेयर नहीं है, ये प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस के अंदर 40वें नंबर की नेता है? ये जो खैराती कूद रहे थे कि गडकरी के नाम क्यों नहीं, फलाने के नाम क्यों नहीं, चार पांच नाम ये रटे हुए थे कि प्रियंका गांधी 39 नाम डिक्लेयर हो गए, प्रियंका गांधी के नाम क्यों नहीं है? तो भूपेश बघेल हो गए, जिसका नाम मनीष जी ने, वेणुगोपाल हो गए, फलाने ढिमाके, वो सबसे पहले तो मणिपुर मुंबई वाला हो गया जिससे जो हरवा ने ठेका लिए हुए है, तो क्यों नहीं? तो मनीष जी, ये प्रमोद कृष्णन को मैं बता दूं कि ये प्रियंका गांधी का जो गुट बना था, जो एक छोटे ही सा गुट था, उनमें प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी से ज्यादा एक जिसका ये जिक्र नहीं करते खैराती, प्रियंका गांधी के खैराती होने के बाद वो रॉबर्ट वाड्रा का बहुत करीबी और विश्वसनीय था। और रॉबर्ट वाड्रा अगर आप भूल रहे हो तो याद दिला दूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने संभवतः कुछ साल पहले बहुत खुलकर ये स्टेटमेंट दिया था 2019 के चुनाव में दिया था कि हाँ अगर होगा तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ। तो एक ये प्रबोध कृष्णम, एक वो शर्मा आता मनीष जी, पहले किराए के आंदोलनकारी इकट्ठे करता था, हर पार्टी के लिए करता था, बाद में फिर वो उसका सिटिंग हो गई, कांग्रेस हो गया, तो मैं पूरा नाम उसका भूल रहा, बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंड टाइप का है वो कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए नहीं, कभी प्रियंका इनकी बात होती तो वो पूरे कहीं से लाता है, इकट्ठे करता है, बड़ा मोछे ओछे रख के है। तो वो अब वो नेता हो गया, वो आता कभी कभी उलू जुलू बयान भी देता है, क्योंकि बेसिकली वो किराए के आदमी लाने का ठेका ठेका लेता था, वो भाजपा के लिए, इनके लिए, सभी के लिए करता था, अब वो कांग्रेस में सेट हो गया है और बड़ा खास है वाड्रा का। तो ये कहना प्रमोद कृष्णन का, तो मनीष जी इसका मतलब अंदर कुछ बहुत बड़ा ज्वालामुखी पक रहा है,
और इधर दर्शकों से मैं बता दूं कि इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा आप ये मत इफ एंड बट मत लगाइए, कांग्रेस गांधी परिवार का ये इतिहास रहा है इसी तरह के फैसलों का। और अभी आपको दो तीन किस्से बताता हूं कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस छोड़ेगी, ये अलग बात है कि चुनाव में छोड़ेगी या चुनाव से बाद छोड़ेगी, चुनाव के बाद छोड़ेगी, क्योंकि ये आदमी जो मणिपुर से मुंबई मंडरा रहा है ये 19 चुनाव हार चुका, तब इसको शर्म नहीं आई, 2024 में फिर हारेगा, पर ये अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, ये गद्दी नहीं छोड़ेगा और गद्दी इसको छोड़ने देंगे भी नहीं। एक वो गुट है उसका, वो एक पुराना किस्सा है। तो प्रियंका गांधी चुनाव चुनाव के बाद क्या कांग्रेस छोड़ेगी, भाजपा ज्वाइन करेगी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ेगी, ये इसको अच्छे समझ लीजिए। इसका एकदम तात्कालिक पहले उसका संकेत बता दूं कि प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कोई नेता ऐसा बचा नहीं जिसको उसने अपने तीरों से घायल ना किया हो, सबको निपटाया है, वो मणिपुर से मुंबई वाले तक को निपटाया है, अड़गे खड़गे सब निपट गए, लेकिन प्रमोद कृष्णन का कम से कम जब से छोड़ी है कांग्रेस, या कल्कि धाम वाला मंदिर का उद्घाटन हुआ या उससे पहले जब निष्कासित हुआ है, उसके बाद से प्रमोद कृष्णन के कम से कम 2 दर्जन टेलीविजन इंटरव्यू आ चुके हैं, कुछ यूट्यूब पर भी आया हुआ आदमी, लेकिन उसने एक भी शब्द प्रियंका गांधी के खिलाफ नहीं बोला है, अभी तक नहीं बोला है, ऐसे नहीं बोला, जब जब पूरी कांग्रेस को निपटा रहा वो आदमी, तो प्रियंका गांधी पे तक कृपालु क्यों है वो, जब आता तो इसी तरह के बड़े भावनात्मक स्टेटमेंट जैसे भी आपने तो सुना, या फिर सीधे सीधे डिफेंड करता है, डिफेंड करता है, तो वो उस आदमी के संबंध बड़े करीबी थे और मेरे ख्याल से आज भी बहुत करीबी हैं, और आगे का ताना बाना जैसे होता है ना कि पहले मोहरा आगे बढ़ाया जाता है, तो प्रियंका गांधी का मोहरा आगे बढ़ा है प्रमोद कृष्णन के रूप में, और आगे वजीर और हाथी घोड़ा जो है वो इसके पीछे पीछे आएंगे, पहले उन्होंने मोहरे को आगे बढ़ा के पानी चेक किया है क्या कि क्या माहौल है, क्या संभावनाएं हैं, और मेरे ख्याल से मोरा बहुत बढ़िया फीडबैक दे रहा होगा। तो ये दर्शकों से कह दूंगी ये बड़ी गूढ़ राजनीति में बातें कर रहा हूं, तो आपको आनंद आएगा या कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बात है, तो लेकिन इसका कारण अब बताता हूं कि इतिहास कैसे दोहराया जाएगा। विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू की सगी बहन, नेहरू ने अपनी लड़की को प्रमोट करने के चक्कर में विजयलक्ष्मी पंडित को और तो बनाया, हाई कमिश्नर बना दिया, कहीं राजदूत बना दिया, नेहरू उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया नेहरू ने, और नेहरू के मरने के बाद जब विजयलक्ष्मी पंडित ने लाल बहादुर शास्त्री से बात की तो लाल बहादुर शास्त्री ने यही कहा था उनसे, और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा लिखी है 300-400 पन्ने की, उसको पढ़ लीजिए, लिखा कि जब मैं शास्त्री जी से मिली तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं कर सकता, यह फैसला तो गांधी परिवार ही करेगा, तो इसका मतलब नेहरू के समय से फीडबैक था। तो विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा तब मैं इंदिरा गांधी के पास गई, और इंदिरा गांधी से मैंने जब वो हाई कमिश्नर बनना चाहती थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, तो शास्त्री ने कहा था कि उनसे कहिए तो मैं, वो अगर कह देगी तो बना दूंगा, तो कहा मुझसे इंदिरा गांधी ने कहा था दो बातें हैं, और वो दोनों बातें मैंने खैराती कभी इसका जिक्र ही नहीं करते, ये तो और पता नहीं कहाँ का गोट से इनको बहुत याद रहता कि जब विजय लक्ष्मी पंडित गई तो ने पहला सेंटेंस जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि बुआ सांप पे भरोसा कर लेना, शास्त्री पे मत करना, ये जो कांग्रेसी कहते हैं ना लाल बहादुर शास्त्री हमारे नेता थे, तो इंदिरा गांधी ने विजय लक्ष्मी पंडित से कहा था, विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी किताब में लिखा है ये, कोई कही सुनी उड़ाई उड़ाई हुई बातें नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा जवाब दिया था इंदिरा गांधी ने कि बुआ हमको तुम पर विश्वास नहीं है, तो उस पे विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा है कि जब ये जवाब दे दिया मुझको इंदिरा ने, तो मैं कुर्सी से उठी, मैंने माथा चूमा इंदिरा का और कहा कि मुझको इंदु तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई कि तुमने मुझसे खुलकर कह दिया, तो ये पसंद आई, ये खुल के कह दिया, ये सब तो हुआ, लेकिन उसके बाद नतीजा ये था कि जब 1977 की जिसकी बात हम लोग करते हैं, जनता लहर की, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की, उस आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा विजय लक्ष्मी पंडित भी हुआ करती थी, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में प्रचार
इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ कर रही थी। तो ये गांधी परिवार का इतिहास है कि नेहरू की बहन खुलकर कोई ढके छुपे या कोई चिट्ठी लिख दी फलाना कर दिया, नहीं, 1977 का चुनाव जरा उसका इतिहास उठाकर देखिए, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो टॉप 10 के टॉप 20 चेहरे कह सकते हैं आप, क्योंकि वो नेहरू की बहन थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ खुलकर अभियान चल रहा था हिंदुस्तान में, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित सबसे प्रमुख चेहरा थी। उम्र इतनी हो गई थी कि चुनाव नहीं लड़ सकती थी। तो ये तो एक इतिहास है मनीष जी। दूसरा इतिहास, अरुण नेहरू, मनीष जी को अच्छे से याद होगा कि जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो सबसे खास और सबसे शक्तिशाली अरुण नेहरू, मतलब पूरी पावर एक तरह से राजीव गांधी ने अरुण नेहरू को दे रखी थी। लेकिन उसके बाद जब महत्वाकांक्षाएं जागी तो मैं उस जगह, अगर राजनीति से हट के बात करिए तो अरुण नेहरू ने अपनी औकात से ज्यादा अरुण नेहरू सपने देखने लगे थे, लेकिन अरुण नेहरू को विद्रोह करने में कोई कोई संकोच नहीं हुआ था। वही अरुण नेहरू वीपी सिंह के साथ घूम घूम कर राजीव गांधी को पूरे देश में गरिया रहे थे। तो ये राजनीति का बड़ा गांधी परिवार का बड़ा भयंकर इतिहास है। और एक तो आप लोग आज भी उसका नजारा देख रहे हैं, हालांकि वो नकटा कहूं क्या कहूं उसको, कि वो दोबारा कुछ मार्क्स पेंगिंग बढ़ा रहा है कि मेनका और प्रियसोनिया तो संजय गांधी के देहांत के तत्काल बाद सोते हुए, मेनका गांधी अलग नहीं हुई थी, मेनका गांधी वहीं रहती थी, लेकिन चूंकि मेनका गांधी से खतरा लग रहा था, ये लग रहा था कि मुझसे ज्यादा योग्य है, और अगर मेनका को मौका मिल गया तो राजीव गांधी का करियर ऐसी की तैसी में मिल जाएगा। तो रात में 12 बजे या 2 बजे कैसे मेनका को खदेड़ा गया था घर से, और खुशवंत सिंह के चले वो एक अलग कहानी है। तो इस परिवार में सत्ता को लेकर कब एक दूसरे पे जूता चल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं आप ले सकते। मैंने विजय लक्ष्मी पंडित से लेके वाया सोनिया मेनका और अरुण नेहरू तक का किस्सा यह, और छोटे मोटे बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख किस्से हैं जो बताते हैं कि इस तरह की अगर कोई घटना हो जाए तो बड़े ताजुब की बात नहीं है। और सबसे खास बात ये जो, इसीलिए मैंने ये पीस आप लोगों को सुनवाया कि ये जो प्रमोद कृष्णम बोल रहा है, और मैं फिर कहूंगा कि अब अभी और गौर करिएगा आगे भी जब ये बोलेगा, जब इससे प्रियंका गांधी का कोई सवाल पूछा जाता है तो ये गोलमोल करके प्रियंका की एक तरह से प्रशंसा ही कर देता है। हाँ मनीष जी, फिर आगे बताता हूँ प्रियंका का एक और प्रकरण। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी से भी बड़ा स्टार प्रचारक मोदी के लिए होंगे और जूतम पैजार दोनों भाई बहनों में होगा, इसकी तैयारी हो गई है। और यह भी सच है कि प्रियंका वाड्रा किसी भी हाल में रायबरेली से लड़ना नहीं चाहती, और राहुल गांधी और सोनिया चाहते हैं कि इसको लड़वा करके इसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया जाए। प्रियंका चाहती है कि जिस तरह मम्मी राज्यसभा से डायरेक्ट गई है, अम्मी राज्यसभा से जाए। नहीं मनीष जी, खाली ये वो पूरा जो एक पूरा कम्युनिस्ट कह लीजिए, नक्सलियों ने कह लीजिए घेर लिया है, और उनको मालूम है कि जिस तरह से वो राहुल गांधी को नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, वैसे घुमाना नचाना प्रियंका को बड़ा मुश्किल होगा, प्रियंका को नहीं घुमा नचा पाएंगे। और मैं जिस समय आपको बताता हूँ कि आज से कम से कम 20 साल, 20 साल, हाँ 2004 में तो ये आई गया था, सन 2000 या 98 99 प्रियंका गांधी रायबरेली के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको प्रियंका गांधी ही देखती थी, राहुल गांधी कभी कभार आता था, और हम लोग सब ये मान के चल रहे थे कि प्रियंका राजनीति में आएगी। वो उस समय तो खैराती सब एकदम लगे हुए थे कि इंदिरा गांधी की तरह नाक में है, और इंदिरा गांधी की तरह हेयर स्टाइल है, इंदिरा गांधी की तरह बोलती है। और संयोग से मैंने जो 1999 में अरुण नेहरू के खिलाफ प्रियंका की पहली मीटिंग थी वो भी मैंने अटेंड की थी, बछरावा में जनसभा थी, तो वास्तव में प्रियंका ने प्रभाव अपनी छाप छोड़ी थी। तो एक एक बहुत करीबी इस परिवार का कह लीजिए, रायबरेली वही बनी जी, वही जिनकी आपने तो उस दिन जिक्र किया था, रायबरेली के वोटर भी हैं वो, अर्जुन सिंह, वो अर्जुन सिंह के बड़ा दरबार में हाजिरी बिल्कुल दिया करते थे। तो एक बार मैंने ऐसे कहा कि प्रियंका, लगता है कि प्रियंका अमेठी से लड़ेगी चुनाव, ये रायबरेली से, तो कहने नहीं भाई साहब प्रियंका राजनीति में नहीं आएंगी, आएंगी तो राहुल। तो मेरी बहस हो गई थी, वो आदमी कह लगा आप लोग गलत फहमी में हो, आएगा तो राहुल, प्रियंका को राजनीति में नहीं आने देंगे। तो वो वही हुआ आखिर में, प्रियंका अभी समझिए प्रियंका की कायदे से तो आज भी राजनीति में एंट्री नहीं हुई है,
एक तरह से जबरदस्ती घुस के वो लड़ भिड़ के उसने जो कुछ किया, और घुसने के बाद जिस तरह से असहयोग हुआ है पार्टी का, तो नतीजा निपटा तो इन्होंने प्रियंका गांधी को दिया है, निपटा तो इनको दिया ही है, साथ में लगा हुआ है कम्युनिस्ट। तो आने वाले समय में जरा इंतजार करिए, गांधी परिवार के अंदर एक और विस्फोट, और इसके खिलाफ यही जो घूम रहा है मणिपुर से मुंबई, वो हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब कब्र जो है ना, आज की कब्र वही खोदेगी, क्योंकि मतलब इनके यहाँ तो कब्र ही खुदा सकता है, क्योंकि बाबा दादा तो कब्र में ही है। तो प्रियंका वाड्रा ही कब्र खोदेगी, प्रमोद कृष्णा ने एक तरह से इंडिकेशन दे दिया है, दे दिया। और आज की नहीं, आज की 39 जो नामों की सूची है, उसने उस पर एक तरह से मोहर लगाई है, मोहर लगाई है।